Dear students, welcome to you, CR International School online classes. Students, how are you? I hope that you are fine at your home. Let us start class 10th geography. Lesson 4, Khanij Tatha Urja Sansadhan. आज का हमारा टॉपिक है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। कल हमने पढ़ा था खनिज किसे कहते हैं तथा खनिजों का वर्गीकरण। कल मैंने आपको धात्विक खनिज और अधात्विक खनिजों के बारे में वर्णन किया था। आज का हमारा टॉपिक होगा ऊर्जा खनिज कि ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है या जिनका प्रयोग हम ऊर्जा के उत्पादन के लिए करते हैं वो ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। क्लियर? ऊर्जा खनिज कौन से होते हैं? जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त हो या ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा उत्पादन के लिए जिनका प्रयोग होता हो वो ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी चीजें जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिनसे हमारी फैक्ट्रियां, हमारे कारखाने या हमारे घरेलू चीजें जरूरतें पूरी होती हैं, वो सब ऊर्जा खनिज हैं। देखिए, अब जिस तरह से हमने धात्विक खनिजों के दो भागों बांट दिए, लौह खनिज, अलौह खनिज, उसी तरह से ये ऊर्जा खनिज भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। सबसे पहले परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में देख लेते हैं। देखिए, परंपरागत ऊर्जा संसाधन जो होते हैं अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, यानी एक बार अगर ये खत्म हो जाए तो इन्हें पुनः प्राप्त करने में लाखों हजारों साल लगते हैं। अनवीकरणीय, या तो ये नए नहीं हो सकते या इन्हें बनाने में बहुत समय लगता है, कम से कम 200-250 लाख वर्ष तक भी लग जाते हैं। देखिए, खर्चीले होते हैं, बहुत ज्यादा इनको बनाने में लागत आती है, जैसे कि कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, विद्युत है, उपले आदि। कोयला है, अगर हमने इसको एक बार प्रयुक्त कर लिया तो दोबारा हम इससे कोयला प्राप्त नहीं कर सकते। कोयले को जलने के बाद राख ही मिलेगी और जो कोयला है ये हमें बहुत सालों के बाद पुनः प्राप्त होगा। इसी तरह से लकड़ी है, अगर लकड़ी जल गई तो उसकी राख ही मिलेगी, आपको ये लकड़ी के रूप में दोबारा प्राप्त करने में हजारों लाखों साल लग जाएंगे। पेट्रोलियम ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, अगर एक बार ये प्रयुक्त हो गया हमारे व्हीकल्स में या किसी अन्य जगह पर, डीजल वगैरह का जहाँ यूज करते हैं, हमारे जो जनरेटर वगैरह होते हैं वहाँ पेट्रोलियम हमारे व्हीकल्स में यूज होता है, तो वहाँ अगर हमने इसको एक बार प्रयोग कर लिया तो उसके बाद ये पुनः खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से प्राकृतिक सीएनजी और एलपीजी जो भी गैसें होती हैं वो, ये हमारे सारे परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। सबसे बड़ी बात, इनको बनाने में समय तो लगता ही है, कम से कम 100-200 लाख, 250-250 लाख, मिलियन वर्ष तक लग जाते हैं। ऊपर से इन खर्चीले बहुत होते हैं, इनको बनाने में पूरी लागत आती है और उसके बाद भी समस्या खत्म नहीं होती, ये पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे, धुआं देंगे, स्मेल होती है इनमें, थोड़ी थोड़ी जलने की गंध सी आती है और इससे वायु तथा जल प्रदूषण भी फैलता है। ठीक है, इसके जितने हमें फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं। इस तरह से 100-200 साल के बाद सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि बनाने में इतना पैसा, इतना समय लगाते हैं और 100-200 साल के बाद ये बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, इनको दोबारा बनाने के लिए हमें दोबारा से मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद आता है हमारा इसी का दूसरा पार्ट, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। जो चीजें यहाँ हुई है इसके बिल्कुल विपरीत उलट यहाँ ले लो, जैसे यहाँ मैंने बताया कि ये अनवीकरणीय संसाधन होते हैं तो जो गैर परंपरागत संसाधन है ये नवीकरणीय होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जाएं हैं, सौर ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है, पवन ऊर्जा हमें वायु से प्राप्त होती है, परमाणु ऊर्जा हमें अणु से प्राप्त होती है, बायोगैस हमें ईंधन से, उपलों से, लकड़ियों से, और ज्वारीय ऊर्जा हमें ज्वार के कारण, ज्वार भाटे के कारण, और भूतापीय ऊर्जा भूमि से उष्मा के कारण।
ताप के कारण हमें पैदा होती है। इस तरह से ये सस्ते पड़ते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक चीजों से हमें तकरीबन प्राप्त होते हैं, इसलिए ज्यादा खर्चीले नहीं है। और दूसरी बात, इनका फायदा क्या है कि ये पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न नहीं करते, धुआं भी नहीं देते, पर्यावरण में समस्त प्रदूषण भी नहीं फैलाते और इनसे ये कभी खत्म नहीं होते। सूर्य है, जब तक रहेगा सौर ऊर्जा हम प्राप्त करते रहेंगे। पवन है, हमेशा चलेगी, उससे हमें पवन ऊर्जा प्राप्त होगी। भूताप हमेशा रहता नीचे, तो उससे हमें भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती। कहने का तात्पर्य ये है कि आजकल जो आधुनिक समय है वहां पर गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग ज्यादा मात्रा में होने लगा है, क्योंकि इन पर लागत भी कम आती है, कम खर्चा बैठता है और इनसे प्रदूषण नहीं फैलता। और सबसे बड़ी बात, ये चीजें हमें ऊर्जा के रूप में निरंतर मौजूद है, हमें प्राप्त होती रहती है। इस तरह से मैंने आपको परंपरागत संसाधन, गैर परंपरागत संसाधन क्या है, ये दोनों ये ऊर्जा खनिज के पार्ट्स हैं, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। अंतर भी कोई पूछ लेता तो जिस तरह से मैंने लाइट डाल के आपको समझाया, आप इसी तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऊर्जा खनिजों से हमें लाभ क्या है? ऊर्जा खनिजों से हमें जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है, यानी जलने के लिए, किसी चीज को चलायमान करने के लिए, जैसे कोयला प्राप्त होता है ईंधन के रूप में, हम घरों में, वाणिज्यिक उद्योगों में, लोह इस्पात उद्योगों में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हमें जितनी भी उत्पादन किसी भी चीज का करते हैं, ऊर्जा उत्पादन, उसमें ये ऊर्जा खनिजों का प्रयोग होता है। और आज जो बहुत यात्रा में बहुत मात्रा में जो मिलता है वो है कोयला, जीवाश्म ईंधन है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किसी जीवाश्म ईंधन का नाम बताइए जो कि बहुत आयात में है, तो ये कोयला, और मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है, इसलिए इस पर विशेष फोकस करते हुए आपको चलना है कि कोयला कैसे बनता है और कहाँ कहाँ किस किस रूप में मिलता है। सबसे पहले ऊर्जा खनिजों के लाभ देखते हुए चलते हैं कि ऊर्जा खनिज हमें ईंधन में, ईंधन किसी भी तरह से, व्हीकल्स में हो, घरेलू उद्योगों में हो, फैक्ट्रियों कारखानों में हो, जिस भी किसी मशीन को चलाने की जरूरत पड़ेगी ऊर्जा खनिजों का प्रयोग होगा। बिजली उत्पादन में ऊर्जा खनिजों का, जैसे पवन ऊर्जा है, आप किस इससे जल ऊर्जा से बिजली प्राप्त करते हैं, तो ये भी हमारे लिए फायदेमंद है। लोह इस्पात उद्योग है, लोह को प्रगलन करते हैं तब, रसायन उद्योगों में और वाणिज्यिक उद्योगों में, सब जगह पर बिना ऊर्जा खनिजों के काम नहीं चलता है। आज जितने भी कारखाने, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, सब हमारे ऊर्जा खनिजों पर डिपेंड है, ठीक है। अब हम आते हैं, अब इनके ऊर्जा खनिजों के एक एक चीज को लेते हुए, आज मैंने बताया कि बहुतायात में कोयला जीवाश्म ईंधन है और कई जगह पर प्रयुक्त होता है, तो सबसे पहले आज हम इसी टॉपिक को क्लियर करते हैं कि कोयला कैसे बनता है। देखो, लाखों सालों की संपीड़न क्रिया, यानी नीचे नीचे दबे गड़े अवशेष होते हैं, वनस्पतियां दब जाती हैं, मृत अवशेष जीव जंतुओं के, मनुष्यों के, उनसे लाखों करोड़ों सालों तक नीचे, पृथ्वी के नीचे दबे रहने के कारण कोयले का निर्माण होता है संपीड़ित अवस्था में, ठीक है। फिर ये हमें चार रूपों में मिलता है, जिसकी पहचान हम कर सकते हैं कि ये कौन कौन सा कोयला है, कौन सी चार किस्में इसकी, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट, चार किस्में है इसकी। और ये अधिकतर टर्शियरी कोयला और गोंडवाना यहाँ सेल क्रमों के रूप में मिलता है, युगम भूगर्भीय युगम सेलों के रूप में, जब भूमि के नीचे, भूगर्भीय का मतलब है भूमि के नीचे गर्भ में जो सेल क्रम होते हैं उनमें ये कोयला प्राप्त होता है, अधिकतर टर्शियरी और गोंडवाना में। गोंडवाना में 200 लाख सालों के बाद ये कोयला बनता है, और ये जैसे कि आपकी हिम नदी, गोदावरी, महानदी, उनकी घाटियों में, और जो क्षेत्र होते हैं आपके बीच का एरिया, वहां पर ही मिलता है, जो बोकारो, झरिया, रानीगंज, छत्तीसगढ़, इस जगह पर आपका ये गोंडवाना कोयला मिलता है। उसके पास टर्शियरी कोयला, ये थोड़ा उससे घटिया किस्म का कोयला है, 55 लाख साल पहले इसका निर्माण हुआ बताते हैं, और ये कोयला भी हमें इन्हीं भूगर्भीय शहरों के युगम रूप में मिलता है। उसके पश्चात हम आते हैं जो मुख्य टाइप्स है इसकी,
कोयला कितने प्रकार का मेन क्वेश्चन है, इसको आप देखते हुए चलिए कि कोयले की चार किस्में हैं, जैसे कि एंथ्रेसाइट इसकी पहली किस्म है, सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रेसाइट। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे उत्तम प्रकार का कोयला कौन सी किस्म में मिलता है तो एंथ्रेसाइट। तो देखो उत्तम प्रकार का कोयला है लेकिन कठोर है, और उत्तम क्यों है क्योंकि इसमें 80% से ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है, जिसमें जितनी ज्यादा कार्बन की मात्रा होगी उतना ही ज्यादा वो कोयला फायदेमंद और उपयोगी होता है, कम प्रदूषण फैलाता है, कम धुआं देता है, और देखो जो चीज धुआं और प्रदूषण कम फैलाएगी लोग उसको ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि ना तो हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक है ना पर्यावरण के लिए। तो ये एंथ्रेसाइट कोयला इस टाइप का कोयला है, और इसमें ताप क्षमता ज्यादा होती है, अगर इसको जलाते हैं किसी चीज में तो ये काफी देर तक चलता है, काफी देर तक हमें इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका जो मेन क्षेत्र है ये हमारे भारत के यहाँ जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर मिलता है। आपको ये ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से एंथ्रेसाइट कोयला जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। पहली किस्म है, सबसे उत्तम किस्म है, कठोर टाइप का होता है, 80% से ज्यादा कार्बन होता है, कम प्रदूषण फैलाता है, कम धुआं देता है, ताप ज्यादा रहता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम आते हैं इसकी दूसरी किस्म पर, बिटुमिनस पर। ये अधिकतर वाणिज्यिक क्षेत्रों में, उद्योगों में, जहां पर वाणिज्य टाइप यानी व्यवसाय के लिए जो काम होते हैं, व्यापार के लिए जो काम होते हैं, वहां पर बिटुमिनस कोयला प्रयुक्त होता है। उसमें मैंने बताया था 80% कोयले की मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा होती है, और इसमें 60-80% कार्बन की मात्रा होती है। ये धातु शोधन होता है, यानी धातुओं को गलाने में, लोहो प्रगलन में, धातुओं को शोधन करने में प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रदूषण ज्यादा फैलता है, हालांकि कार्बन की मात्रा इसमें भी 60-80% तक होती है, लेकिन इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता, घटिया किस्म का ही कोयला है, इससे प्रदूषण ज्यादा फैलता है, और इसकी ताप क्षमता भी एंथ्रेसाइट के मुकाबले कम है। और झारखंड उड़ीसा, झारखंड यहाँ पर, उड़ीसा यहाँ, बंगाल ये यहाँ पर, ये इन क्षेत्रों में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में, यहाँ आप ध्यान रखिएगा मैप में देख लीजिएगा, झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ और बंगाल में ये कोयला मिलता है, ठीक है। अगर आपसे एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस कोयले में अक्सर अंतर पूछा जाता है तो लाइन डालकर एक के पढ़ के लिख दीजिए, एक एक का, क्लियर हो गया आपको। तीसरी टाइप अब हमारी है लिग्नाइट, आप नाम याद कर लीजिए, थोड़े अटपटे नाम जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। लिग्नाइट हमारी तीसरी किस्म का कोयला है, भूरे रंग का होता है, इसकी पहचान भूरे रंग से होती है, और निम्न कोटि का यानी नीचे का स्तर है, और इसमें कार्बन की मात्रा 40 तक चली जाती है, 40% से 60% तक कार्बन की मात्रा होती है। मुलायम होता है, नमी युक्त होता है, मुलायम भी होता है, नमी युक्त यानी नमी में, इसमें मुलायम होने के साथ साथ ये नमी, इसमें हमेशा ही ऐसा गीला कमील होता है, आर्द्रता होती है इसमें, बिजली पैदा करने के काम आता है, और इसमें कोक की मात्रा जो होती है वो कम होती है, इसलिए इसे बिजली उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है। यहाँ हमारा तमिलनाडु है, यहाँ नवेली क्षेत्र में ये मिलता है, और मैप में अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान दे लीजिएगा कि ये जो लिग्नाइट कोयला है ये तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में अधिक मात्रा में मिलता है, ठीक है। उसके पश्चात हम आते हैं पीट, चौथी किस्म का जो कोयला है, जिसमें नमी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, और इसमें कार्बन की मात्रा बिल्कुल कम, कम से भी कम होती जाती है। देखो सबसे ऊपर वाले में 80%, उससे नीचे 60-80, उससे नीचे 40-60, और इसमें तो बिल्कुल 20% तक भी कार्बन की मात्रा चली जाती है, और तापीय क्षमता इसकी बिल्कुल कम होती है, धुआं भी ज्यादा देता है, और प्रदूषण भी ज्यादा फैलाता है, क्योंकि जितना ज्यादा घटिया होगा उतनी ही ज्यादा कम क्वालिटी का होगा, अच्छी किस्म का नहीं होगा, उतनी ही कमियां इसमें निकल आएंगी। और दलदल के क्षेत्रों में जहां पर वनस्पतियां ज्यादा होती हैं, जी उनका क्षरण, उनका विनाश ज्यादा होता है, उनके दम में सड़ने से, गलने से, वहां पर ये हार्ड वुड होकर लाखों हजारों सालों के बाद ये बनता है, ठीक है। तो मैंने बताई आपको कोयले की चार किस्में, आइए एक बार दोबारा से रिवाइज करते हुए चलते हैं कि खनिजों में सबसे पहले मैंने ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं,
जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त हो। दो तरह के होते हैं, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ये सारी मैंने आपको क्वालिटीज बता दी हैं इसकी, और मैं आपको इसकी फोटो खींचकर भेज रही हूँ बोर्ड की, जहां से भी आपको लगे कि आप वजन हो रहे हैं बोल रहे हैं, इसको आप आराम से देख लीजिए पढ़ लें। उसके बाद हमें ये गोंडवाना और टर्सियरी क्षेत्रों में ज्यादा मिलता है। गोंडवाना में 200 साल पुराना, 200 लाख साल पुराना, और टर्सियरी में 55 लाख साल पहले के इसके सबूत मिलते हैं। और ये यहाँ पर जो इसका उद्योग, इसका कई वाणिज्य उद्योगों में, रसायनों में, ईंधन रूप में, ऊर्जा में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में, हजारों जगह पर इसका प्रयोग होता है। उसके पश्चात इसकी 4 किस्में हैं, कौन कौन सी? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। आज हम इतना ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। थोड़ा लेंथी है लेकिन समझते भी चलेंगे, टाइम बेशक लग जाए लेकिन आपको क्लियर से समझ आ जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। सारे जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं आप इनको बार बार सुनिए, याद कीजिए और लिख कर देखिए। जब तक आप लिख कर नहीं देखेंगे तब तक आपको याद नहीं होगा। आप खुद जानते हैं कि आपकी पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है, इसलिए हमें और ज्यादा नुकसान नहीं करना है। हमें जो भी पढ़ाया जा रहा है, जितना भी बताया जा रहा है, उसको खुद हम इंटरेस्ट के साथ अडॉप्ट करते हुए आगे चले। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, कल आपसे मिलते हैं। थैंक यू, वेरी मच, ओके।